बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल पर आरोप ललित मोदी ने लगाए। ललित मोदी ने आरोप लगाए कि हवाला कारोबारी से उनके आरोप हैं, उन पर आरोप हैं, कारोबार के आरोप हैं। गंभीर आरोप बीजेपी के एक और नेता पर यहां पर लगे हैं और इसके बाद बीजेपी मुश्किल में नजर आती है। तो ललित मोदी के ट्वीट पर पहली बार बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल ने आज तक से बातचीत की है और ये कहा है कि वो इस वक्त ब्रसेल्स में हैं। और सुधांशु मित्तल ने कहा है कि उन पर ललित मोदी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। वो कभी भी ललित मोदी से नहीं मिले हैं। ललित मोदी ने ट्वीट कर सुधांशु मित्तल पर आरोप लगाया है कि उनके हवाला कारोबारी से रिश्ते हैं। और इस गंभीर आरोप पर सुधांशु मित्तल ने फोन पर आज तक से बातचीत में अपनी सफाई पेश की है और ये कहा है कि जो भी आरोप ललित मोदी ने उन पर लगाए हैं वो आरोप झूठे, साफ तौर पर बेबुनियाद हैं। उनका किसी हवाला कारोबारी से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी तरह के किसी कारोबार में कहीं भी शामिल नहीं हैं। ये ब्रसेल्स में रहते हुए सुधांशु मित्तल की सफाई आई है और आज तक से फोन पर बातचीत में सुधांशु मित्तल ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा है कि ललित मोदी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अब ललित मोदी का वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जिसमें सुधांशु मित्तल पर आरोप लगाए गए थे। ललित मोदी लिखते हैं कि मेरे सवालों का जवाब दें, मास्टर हवाला कारोबारी विवेक नागपाल से आपके क्या संबंध है, विस्तार से जानने के लिए इंतजार कीजिए। सुधांशु मित्तल के गरीब और अमीर बनने की कहानियां आ रही है लाइव ललित गेट पर अगले हफ्ते। ये ट्वीट ललित मोदी ने किया और इसी पर सुधांशु मित्तल ने सफाई दी है। सुधांशु मित्तल ने यह कहा, इस वक्त सुधांशु मित्तल देश में नहीं है, ब्रसेल्स में है, लेकिन आज तक ने जब फोन किया उनसे उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ललित मोदी झूठ बोल रहे हैं, कभी भी मुलाकात नहीं हुई है। रीमा पराशर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रीमा, क्या कहा है सुधांशु मित्तल ने, किस तरह से ललित मोदी के आरोपों को नकारा है? देखिए बिल्कुल, सुधांशु मित्तल सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ललित मोदी जो आरोप लगा रहे हैं उससे उनका कोई भी लेना देना है। उनका कहना है ललित मोदी से उनके जीवन में कभी मुलाकात नहीं हुई है। ये तमाम जो आरोप हैं ललित मोदी के वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और इसको वो खुले तौर पर अब ये डिनाई करने को भी तैयार है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सईद सुधांशु मित्तल ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट के जरिए भी बोला है कि ललित मोदी जो तुम आरोप लगा रहे हो वो पूरी तरह बेबुनियाद है और हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम किस तरह के आरोप और लगाना चाहते हो। तो जाहिर है कि अब ये जो छीछा लेदर है ये पूरी तरह से चल रही है और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है और बीजेपी की रणनीति यही है कि जिस जिस नेता पर अगर इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं ललित मोदी की तरफ से वो अपना बचाव भी खुद करे, अपनी सफाई खुद दे। और इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ताओं की अगर हम बात करें तो बीजेपी पूरी तरह इस पूरे मामले से अलग है, कोई भी रिएक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद रीमा। रीमा पराशर हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि ललित मोदी एक के बाद एक नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और अब उनके निशाने पर सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने सफाई दी कि आरोप झूठ और बेबुनियाद पर आधारित है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।